हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके नीट एग्जाम में पहले से पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड होती हैं। ठीक है, ये जो चैप्टर है इससे लगभग 3 से 4 क्वेश्चन प्रत्येक ईयर नीट में आते हैं। ठीक है, मतलब टोटली 16 नंबर के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से सिर्फ फिक्सअप है। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन को करने के बाद आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सारे क्वेश्चन करेंगे जो नीट में और AIPMT में जितने भी आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं 2022-23 तक, सारा क्वेश्चन हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में टोटल 3 टॉपिक होगा, एक प्री फर्टिलाइजेशन का, दूसरा डबल फर्टिलाइजेशन का और तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन का। तो फर्स्ट टॉपिक को सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स को। ठीक है, सो दिस इज़ आवर फर्स्ट टॉपिक, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। यहाँ पे देखिए कैसा क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है नीट 2022 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन कह रहा है गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट, मतलब कि 2 स्टेटमेंट आपको दिया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे है और सेकेंड स्टेटमेंट है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस। तो सही बात है ना, क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो होते हैं वो ऑटोगैमस ही तो होते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है क्लिस्टोगैमी इज डिसएडवांटेजियस एज देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। बिल्कुल सही बात है, अब जो ऑटोगैमस होगा उसमें क्रॉस पॉलिनेशन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये भी ऑप्शंस करेक्ट है, मतलब कि इसका राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब ना आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई मतलब खोजना है किस चीज़ से रिलेटेड, तो पॉलिनेशन से रिलेटेड आपको यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है पॉलिनेशन बाय विंड, विंड के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है मोर कॉमन एमोंगेस्ट एबायोटिक पॉलिनेशन। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल कॉमन होगा, क्योंकि ये जो विंड होता है इसमें भी लिविंग के गुण नहीं होते और एबायोटिक मतलब कि वो तो नॉन लिविंग है ही, तो इसका राइट आंसर मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। दूसरा जो ऑप्शन है फ्लावर प्रोड्यूस्ड फॉल ओड्योर्स टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बीटल्स टू गेट पॉलिनेटर, बिल्कुल सही है। तीसरा जो ऑप्शन है मोथ एंड बटरफ्लाइज, मतलब मोथ और बटरफ्लाइज जो होते हैं वो मोस्ट डोमिनेटिंग पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं एमोंग इंसेक्ट, नहीं ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, और चौथा जो ऑप्शन है पॉलिनेशन बाय विंड, विंड के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है वो क्वाइट रेयर इन द फ्लावरिंग। हाँ, ये जो वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होगा वो काफ़ी ज़्यादा रेयर होगा, मतलब बहुत ही कम संख्या में होंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कह रहा है, द टर्म यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट एंड विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन वियरिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशन अगेंस्ट। अब देखिए इतना सारा जो भी बात बनाया गया उसको आपको ध्यान नहीं देना, आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि डिफरेंट प्लांट कह रहा है कि सेम प्लांट कह रहा है। जब भी डिफरेंट प्लांट की बात आएगी तो जीनोगैमी इज द राइट आंसर, और जब भी यहाँ पे सेम प्लांट की बात आएगी तो जीनोगैमी और ऑटोगैमी, दो चीज़ को आपको चूज करना है। ठीक है, सो द राइट आंसर इज ए। अगेन अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डायडेल्फस स्टामिन आर फाउंड इन। अब देखिए डायडेल्फस स्टामिन से जो क्वेश्चन नीट 2021 में पूछा गया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन नीट 2024 के लिए। डायडेल्फस स्टामिन जो होते हैं उसके एग्जाम्पल्स पी हो जाएंगे। ठीक है, पी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे जो चाइना रोज और सिट्रस है, जैसे चाइना रोज जो होता है वो मोनोडेल्फस होता है, ठीक है, और सिट्रस जो होता है वो पॉलीडेल्फस होता है, और फिर से यही ऑप्शन है। ठीक है, सो द राइट आंसर इज पी। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, ए टिपिकल एंजियोस्पर्म इम्ब्रियोसेक एट मैच्योरिटी इज। अब देखिए एंजियोस्पर्म में जो इम्ब्रियोसेक होता है उसकी उसके अंदर में कितने न्यूक्लियस होते हैं और कितने सेल होते हैं, इसी का संख्या आपको पूछा गया है। तो उसमें 8 न्यूक्लियस होता है और 7 सेल होता है। ठीक है, मतलब 8 न्यूक्लियट एंड 7 सेल इज द राइट आंसर, बाकी आपको घुमाने के लिए इतने सारे ऑप्शन अलग अलग दिए गए हैं। ठीक है, अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, इन सम मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फैमिलीज पोलन ग्रेन रिटेन देयर वायबिलिटी फॉर मोंथ। अब ये जो मोंथ होते हैं इसके लिए आपको वायबिलिटी बताना है कि किस फैमिली से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने एक फॉर्मूला बना रखा है SRL का। S का मतलब होता है सोलेनेसियाई, R का मतलब होता है हाइड्रोजेसियाई और L का मतलब होता है लिगुनेसियाई, मतलब ये तीनों का तीनों ऑप्शंस इस मौत से रिलेटेड, ये फैमिली मतलब कि इसी फैमिली से रिलेटेड ये मौत होता है। ठीक है, यहाँ पे पोएसियाई जो है ये तो गलत हो गया, तीनों में है तो तीनों गलत, रोजेसियाई और लिगुनेसियाई, दिस इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर विंड पॉलिनेटेड प्लांट। विंड पॉलिनेटेड प्लांट के लिए आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, मतलब गलत स्टेटमेंट को चूज करना है, जो कि नीट 2020 में पूछा गया था, तो इसको ऑप्शंस को देखते हैं।
तो ये ऑप्शन था यहाँ पे, वेल एक्सपोज्ड स्टामिन एंड स्टिग्मा। सही बात है, वेल बहुत ज़्यादा ही एक्सपोज्ड होते हैं। उसके बाद मेनी ओव्यूल्स इन ईच ओवरी, नहीं नहीं नहीं, विंड पॉलिनेटेड प्लांट जो होते हैं उसके ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल नहीं हो सकते, यही ऑप्शन गलत है, बाकी दोनों ऑप्शन सही है। अब फिर नेक्स्ट यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेटेड टेक प्लेस। वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ जो है ये एक एग्जांपल है, तो ये किससे मतलब कि कौन सा पॉलिनेशन, तो इंसेक्ट और विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है, ठीक है, इंसेक्ट और विंड, ना कि यहाँ पे वाटर आप चूज कर लीजिए, वाटर लिली से वाटर नहीं होगा, ये गलत ऑप्शन है, ठीक है, राइट आंसर इज डी। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे, द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ टू generations, वन विद इन द अदर, ये नीट 2020 में पूछा गया था। अब आपको ना दो generations को कंसिस्ट करना है प्लांट पार्ट के और उसको चूज करना है, जैसे कि पोलन ग्रेन इनसाइड द एंथर, बिल्कुल सही है, जर्मिनेशन पोलन ग्रेन एंड टू मेल गैमिट, मतलब जर्मिनेट पोलन ग्रेन जो होते हैं उसके अंदर दो मेल गैमिट तो गलत ऑप्शन है। सीड इनसाइड द फ्रूट, मतलब सीड जो होते हैं फ्रूट के इनसाइड में होते हैं, नहीं नहीं ये गलत ऑप्शन है, फ्रूट जो होते हैं वो तो बाद में बनता है, पहले तो वो ओवरी रहता है ना, तो यहाँ पे आपको ओव्यूल रहना चाहिए था, जैसे सीड जो होते हैं तो सीड नहीं बता करके यहाँ पे कहना चाहिए था कि ओव्यूल इज प्रोड्यूस्ड इन द ओवरी, तो ये ऑप्शन सही होता है, लेकिन ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चीज़ के बारे में एंथर से मतलब कि प्लांट पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को मतलब ऑप्शंस को चूज करना है, ठीक है, तो इसलिए ये गलत होगा। अगेन फिर एम्ब्रियो सेक इनसाइड द ओव्यूल, एम्ब्रियो सेक इनसाइड द ओव्यूल बिल्कुल सही बात है, तो ये यहाँ पे ऑप्शंस ए और वन एंड फोर्थ इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक प्लेस इन वेलासिनेरिया, वेलासिनेरिया में किस टाइप के पॉलिनेशन आते हैं, तो वेलासिनेरिया में जो होते हैं वो मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों आते हैं, मेल फ्लावर जो होते हैं वो वाटर करेंट को कैरी करते हैं और फीमेल फ्लावर जो होते हैं वो वाटर सरफेस को कैरी करने का काम करते हैं, मतलब डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगैमी एंड जीटोनोगैमी आर प्रिवेंटेड, ऑटोगैमी और जीटोनोगैमी किससे प्रिवेंट होता है, पपाया इज द राइट आंसर, जीनोगैमी जो होता है ना, जीनोगैमी का एग्जाम्पल है पपाया, तो अब ऑटोगैमी जीटोनोगैमी नहीं हो रहा है तो क्या होगा, जीनोगैमी होगा ना, तो जीनोगैमी का यहाँ पे एग्जाम्पल पपाया हो जाएगा, बाकी सारे जो ऑप्शंस है ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन का है, लेकिन ये क्रॉस पॉलिनेशन का है, ठीक है, तो नीट 2019 में और 12 में पूछा गया था, इसका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलन ग्रेन कैन बी स्टोर फॉर सेवरल ईयर इन लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग टेम्परेचर ऑफ, तो ये जो पोलन ग्रेन होते हैं वो स्टोर होते हैं एक लिक्विड नाइट्रोजन में कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको आपको बहुत ही अच्छे से रीड आउट करना है। अगेन फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ प्रूव हेल्पफुल एंड इन प्रिजर्विंग पोलिन एज फॉसिल्स, तो इसका राइट आंसर स्पोरोपोलिनिन हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जैसे ही आपको पोलिन मतलब कि पोलिन की बात की जाएगी, तो पोलिन ग्रेन को जो है ना दो लेयर उसके इंटरनली होता है, ठीक है, और दोनों लेयर जो होते हैं वो इसको मतलब कि प्रोवाइड करते हैं स्टिकी प्रोवाइड, तो स्पोरोपोलिनिन जो होता है ये एक प्रकार का क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हेल्पफुल एक लेयर होता है, ठीक है, और इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगेन फिर अब ऑयल कंटेंट के बारे में तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना नहीं है, सेलुलोजिक इंटाइन पढ़ना है और एक्जाइन पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे सेलुलोजिक नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद पोलिन कीट जो होते हैं ये होता है, लेकिन इसके इंटरनली प्रिजर्व करता है स्पोरोपोलिनिन, ठीक है। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विंग पोलिन ग्रेन आर प्रेजेंट इन, विंग पोलिन ग्रेन जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो उसका राइट आंसर यहाँ पाइनस हो जाएगा, ठीक है, जो कि नीट 2018 में पूछा गया था। अगेन फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अट्रैक्ट्स द रिवर्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर, तो इसमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, एंटीमोफिली की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, मतलब कि द राइट आंसर इज बी। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए डायसियस फ्लावरिंग प्लांट्स कैन प्रिवेंट बोथ, देखिए आपको ना इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, जैसे कि डायडेल्फस यहाँ पे फ्लावर कह रहा है, तो डायडेल्फस फ्लावर कहने का मतलब है कि वो तो जीनोगैमी होगा ना, डायडेल्फस मतलब जीनोगैमी, तो डायडेल्फस प्लांट में जीनोगैमी आएगा तो वो किस चीज़ को प्रिवेंट करेगा, अब जीनोगैमी हो रहा है मतलब कि उसमें अब सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा मतलब कि वो ऑटोगैमी और जीनोगैमी दोनों को प्रिवेंट करेगा, रोकेगा, ठीक है। बाकी यहाँ क्लिस्टोगैमस और जीनोगैमी तो होगा ही, यहाँ पे भी जीनोगैमी होगा लेकिन ये दोनों नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू, तो फंक्शनल मेगास्पोर जो होते हैं वो कहाँ पे डेवलप होते हैं, एम्ब्रियो सेक में डेवलप होते हैं, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू,
मतलब कि आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो एग्जाइन ऑफ पोलिन ग्रेन, पोलिन ग्रेन का जो एग्जाइन लेयर होता है वो स्पोरोपोलिन का बना होता है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। दूसरा है पोलिन ग्रेन ऑफ मेनी स्पेसिस कॉज सर्व एलर्जीज, बिल्कुल सही है, कुछ बीमारियाँ क्रिएट करती हैं ना ब्रोंकियल से रिलेटेड। अगेन स्टोर पोलिन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज एंड क्रॉप ब्रीडिंग, बिल्कुल सही है, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में उसका यूज़ किया जाता है। और लास्ट ऑप्शन है टैपेटम हेल्प इन द डिहेसेंस ऑफ द एंथर, हाँ ये जो ऑप्शन है ये गलत है, टैपेटम डिहेसेंस के एंथर के डिहेसेंस में यूज़ नहीं होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ स्टामिन इज अटैच टू द, तो प्रॉक्सिमल एंड जो होता है फिलामेंट का और मतलब कि फिलामेंट ऑफ स्टामिन, स्टामिन के जो फिलामेंट होते हैं उसका जो प्रॉक्सिमल एंड होता है वो किस चीज़ से अटैच होता है, तो प्रॉक्सिमल एंड जो होता है वो थैलमस और पेटल से अटैच होता है, नीचे में थैलमस है और ऊपर में पेटल से अटैच होता है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज यहाँ पे सी, जो कि नीट 2016 में पूछा गया था। अगेन फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करने हैं, ठीक है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे जैसे कि ये सारे ऑप्शंस करेक्ट है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। एंड डी नंबर ऑप्शन इनकरेक्ट है, कैसे इनकरेक्ट है, तो पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पेसिस कैन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर बट ओनली वन पोलन ट्यूब ऑफ द सेम स्पेसिस ग्रो इन टू द स्टाइल, ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, इन मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, जो कि नीट 2016 में पूछा गया है, आपको मेजोरिटी बताना है एंजियोस्पर्म की, ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन होता है एंड वो किस चीज़ पे आकर करते हैं, तो MMC पे आकर करते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू, तो टेक्निकली वो क्या होता है, मेगा स्पोर एंजियम कहलाता है, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, जो कि यहाँ से AIPMT हमारा स्टार्ट होता है, AIPMT के भी क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे उतने इंपॉर्टेंट है नहीं। जैसे मेल गैमिटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, दो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं इन द वेजिटेटिव सेल, ठीक है। अब फिलिफॉर्म एपर्टस, फिलिफॉर्म एपर्टस का मतलब सिनर्जिट, आपको पता ही है फिलिफॉर्म एपर्टस जो होता है वो सिनर्जिट कहलाता है, ठीक है, उसके कैरेक्टर जो होते हैं वो सिनर्जिट कहलाते हैं, ठीक है, ये सब आपको याद रखने हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन फिर है, इन एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोरोजिनेसिस एंड मेगास्पोरोजिनेसिस मियोसिस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, सो द राइट आंसर इज सी। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिटनोगैमी इन्वॉल्व, जिटनोगैमी कहाँ इन्वॉल्व होते हैं, तो जिटनोगैमी जो होते हैं वो फ्लावर के फर्टिलाइजेशन पे, मतलब फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम एंथर फ्लावर ऑफ द स्टामिन प्लांट, दिस इज द राइट आंसर, जो कि जिटनोगैमी इसके इंटरनली इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ऑफ द फ्लावर, ये तो सही है, बाय द पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर, तो सेम फ्लावर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे डिफरेंट फ्लावर होना चाहिए था, ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर कह रहा है कि वही चीज़, एंड फिर यहाँ पे लास्ट में आपको बता दिया गया सेम पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ नहीं होता, मतलब कि इसका ए इज़ द राइट आंसर। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलन टैबलेट, हाँ पोलन टैबलेट का यूज़ कहाँ होता है इन द मार्केट, तो सप्लीमेंट्री फूड के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, मतलब पोलन टैबलेट आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर, किसके लिए, तो सप्लीमेंट्री फूड के लिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए नहीं हो सकता, इन ब्रीडिंग प्रोग्राम पर यूज़ इसके इंटरनली पोलन ट्यूब का यूज़ नहीं किया जाता है, वहाँ पे पोलन ग्रेन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक्सीटू कंजर्वेशन नहीं है क्योंकि ये इनसीटू कंजर्वेशन होता है, सो द राइट आंसर इज सी। अब आते हैं नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ फिलिफॉर्म एपर्टस, इसका काम क्या होता है, तो ये जो फिलिफॉर्म एपर्टस होता है सिनर्जिड, उसका काम होता है कि वो पोलन ट्यूब के एंट्री को, जैसे ही पोलन ट्यूब आ रहा होता है तो उसको गाइड करता है, उसको ना गाइड करने का काम करता है, उसको सुरक्षा प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है, सो द राइट आंसर इज डी। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगा स्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट, तो मेगा स्पोरेंजियम जो होता है वो किसके इक्विवेलेंट है, तो ओव्यूल के इक्विवेलेंट है, ठीक है, मतलब कि मेगा स्पोरेंजियम को हम ओव्यूल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इनमें से कौन स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पे राइट आंसर जैसे कि हार्ड आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन कॉल इंटाइन, नहीं ये इंटाइन आउटर लेयर नहीं होता, इनर लेयर होता है, ठीक है। उसके बाद इंटाइन नाम ही इंटाइन है, मतलब इनर अंदर से है। उसके बाद स्पोरोजिनस टिश्यू इज हैप्लॉइड, नहीं ये डिप्लॉइड होते हैं। उसके बाद एंडोथीसियम प्रोड्यूसर द माइक्रोस्पोर, ये गलत बात है, यहाँ पे ना माइक्रोप्रोपागेट, मतलब कि माइक्रोप्रोपागेशन से यहाँ पे होना चाहिए था। एंड लास्ट ऑप्शन है टैपेटम नरिश द डेवलपिंग पोलन, बिल्कुल सही बात है, टैपेटम जो होता है वो डेवलपमेंट मतलब नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमस, क्लिस्टोगैमस का क्या एडवांटेज है, क्लिस्टोगैमस किसी पर डिपेंड नहीं होता है क्योंकि ये ऑटोगैमी है, ऑटोगैमस है, तो नो डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर्स, बीवी पैरस तो गलत हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। सो ये नीट 2013 में किस लेवल के क्वेश्चन है, और बाकी आप देख सकते हैं कि नीट 2013 में तीन क्वेश्चन, मतलब कि तीन से चार क्वेश्चन के वेटेज है प्रत्येक ईयर के,
अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट कैन विदस्टैंड एनवायरमेंटल एक्सट्रीम्स एंड कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाई एनी एंजाइम, द राइट आंसर इज स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन ही ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि सुरक्षा प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इवन इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट सीड सेटिंग इज एब्जॉर्ब्ड इन, तो कॉमिलेना इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन विंड पॉलिनेशन इज कॉमन इन ग्रासेस में ये कॉमन होता है, ठीक है। इसके और भी एग्जाम्पल हैं जैसे कि वीट हो गया, मेज हो गया, पपाया हो गया, पाइनस हो गया, बॉम्बो हो गया, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी याद करना है, और विंड पॉलिनेटर को यहाँ पे एनिमोफिली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन इज ऑटोगैमस, तो इनमें से कौन ऑटोगैमस पॉलिनेशन है, तो क्लिस्टोगैमस, बाकी कैजमोगैमस, जिटनोगैमस, ये सब के सब जो हैं ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन माना जाता है इनको, ठीक है। किस चीज़ के माध्यम, मतलब कि फिजिकली बिहेवियरली उनको देख सकते हैं, तो ठीक है। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस, विंड पॉलिनेशन फ्लावर, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर जो होते हैं वो स्मॉल हो जाते हैं, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अगेन फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोसियस, मोनोसियस कौन सा होगा, पाइनस, बाकी सारे के सारे डायोसियस है, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन, पपाया तो अभी हमने जस्ट किया ही था क्वेश्चन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेसिस्टेंस टू एंजाइम एक्शन, हाँ यहाँ पे पॉलन एक्साइन हो जाएगा, और ये किस चीज़ का बना होता है, स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। तो स्पोरोपोलिनिन से आप समझ सकते हैं कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन को घुमाते कैसे, तो स्पोरोपोलिनिन ऑप्शन में ना देखिए क्या दे दिया गया है, पॉलन एक्साइन दे दिया गया है, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर प्रिवेंट, यूनिसेक्सुअल जब रहेगा तो वो ऑटोगैमी ही होगा, जिटनोगैमी का कोई सवाल ही नहीं होता, ठीक है। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर हैज़ डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सेल भी होता है और एंटीपोडल सेल होते हैं, मेगास्पोर मदर सेल गलत ऑप्शन है, एंटीपोडल होता है, न्यूसेलस एंड एंटीपोडल, न्यूसेलस नहीं होता, एक न्यूक्लियस यहाँ पे सही है, लेकिन सेकेंडरी न्यूक्लियस इज़ द राइट रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट जो है पेयरिंग में खोजना है, लेकिन राइट खोजना है, तो एक सेल और एंटीपोडल सेल इज़ द राइट आंसर्स। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, मेल गैमिट इन एंजियोस्पर्म आर द फॉर्म डिवीजन ऑफ, तो मेल गैमिट जो होते हैं एंजियोस्पर्म के, और उसमें डिवीजन होकर क्या बनता है, तो जेनरेटिव सेल बनते हैं, ठीक है। अगेन फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सराउंडेड द कैलोज वाल, कैलोज वाल किस चीज़ का बना होता है, MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अरेंजमेंट ऑफ द न्यूक्लियाई इन एन नॉर्मल एम्ब्रियो सेक इन द डाइकोट प्लांट, तो सबसे पहले तीन न्यूक्लियस होते हैं, फिर दो न्यूक्लियस बीच में होते हैं, और फिर लास्ट में एंटीपोडल सेल जो होता है, एंटीपोडल सेल जो कि मतलब कि चलाजल इंड पे होता है, तो वो तीन होते हैं, ठीक है। तो द राइट आंसर इज 3-2-3, यहाँ पे 3-3-2 गलत हो जाएगा, 2-2 तो होता ही नहीं है, गलत। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन द सेल्स ऑफ द एडियोन लेयर इन द प्लांट स्पीसीज विद 8 क्रोमोजोम इन द सिनर्जिड, तो सिनर्जिड में 8 क्रोमोजोम है, तो इसका तिगुना कर लीजिए, क्योंकि सिनर्जिड जो होता है वो फिलीफॉर्म एपर्टस के पास होता है, जिसमें 8 न्यूक्लियस होते हैं, तो 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ओव्यूल एंड वेयर इज द एम्ब्रियो सेक बिकम्स हॉर्स शू सैप एंड द फंक्शंस ऑफ द माइक्रोपाइलर इंड विच ऑफ द विच इज ईच हेयर, तो इसका राइट आंसर से यहाँ पे एम्फीट्रोपस हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एंथ्रेसिस इज अ फेनोमिना विच रिफर्स टू, एंथ्रेसिस जो होता है उसका फेनोमिना जो होता है वो किस चीज़ से रिफर्स करते हैं, तो ओपनिंग ऑफ द फ्लावर बर्ड से, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन ओव्यूल विच बिकम्स कर्व सो दैट द न्यूक्लियस एंड एम्ब्रियो सेक लाई द राइट एंगल्स ऑफ द फ्यूनिकल्स, तो इसका राइट आंसर हेमिट्रोपस हो जाएगा। बेसिकली ये सारे क्वेश्चन जो है वो उतने इंपॉर्टेंट अब शो नहीं करते हैं, अब पूछे नहीं जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन एन एंजियोस्पर्म हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल, मतलब कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेंगे रिक्वायर 200 पोलन ग्रेन। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला है, एक MMC एक मदर सेल बराबर 4 पोलन ग्रेन होते हैं, तो यहाँ 100 पोलन ग्रेन दिए हैं तो कितने मदर सेल होंगे, तो 25 हो जाएंगे, क्योंकि हम 100 में 4 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आपको याद करना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चीफ पॉलिनेटर्स ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चरल कहने का मतलब एग्रीकल्चरल क्रॉप के चीफ प्रोड्यूसर्स जो होते हैं पॉलिनेटर्स, वो बी ही कहलाते हैं, ठीक है। बीटल्स गलत ऑप्शन है, बटरफ्लाई तो चीफ प्रोड्यूसर्स पॉलिनेटर्स नहीं होता है, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओव्यूल इज स्ट्रेट एंड विद द फ्यूनिकल एम्ब्रियो सेक चलाजा एंड द माइक्रोपील लाइंग ऑन द स्ट्रेंथ लाइन, इट इज नोन एज
ऑर्थोट्रोपस। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे जैसे कि आप देखिए यहाँ पे ना क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ द म्यूटिक डिवीजन रिक्वायर्ड प्रोड्यूस 200/400 सीड इन द पी। पी के अंदर अगर 200/400 सीड है तो 200 में कितने डिवाइड होंगे, जैसे 100 में यहाँ पे मतलब कि 100 में कितने बढ़ते हैं, 25 बढ़ते हैं, क्योंकि 20 पे 5 बढ़ता है। ठीक है, तो उसी प्रकार 200 है तो 200 में 50 बढ़ जाएंगे, मतलब 250 वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगेन फिर हम आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे कि ये सारे क्वेश्चंस जो दिख रहा है ये उतने इंपॉर्टेंट शो नहीं करते क्योंकि बहुत ही मतलब कि बैक ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक, डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस साल तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से आएंगे। जैसे कि डबल फर्टिलाइजेशन से क्या क्वेश्चन पूछा गया है, डबल फर्टिलाइजेशन इज, तो डबल फर्टिलाइजेशन में सिंगैमी भी होगा और ट्रिपल फ्यूजन भी होगा। ठीक है, सो द राइट आंसर इज डी। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इज एक्सिबिटेड बाय, डबल फर्टिलाइजेशन किससे एक्सिबिट होता है, तो डबल फर्टिलाइजेशन में एंजियोस्पर्म में होता है। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन कभी भी एंजियोस्पर्म में, ना कि एल्गी में, ना ही जिम्नोस्पर्म में और ना ही फंगी में होता है। ठीक है, जब भी होगा तो एंजियोस्पर्म में ही होगा। ठीक है, अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है, थ्रू विच सेल ऑफ द एम्ब्रियो सेक डज द पोलन ट्यूब इंटर इनटू द एम्ब्रियो सेक, तो द राइट आंसर इज डी, जेनरेटेड सिनर्जिक। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी बैक ईयर में पूछा गया है, इन एंजियोस्पर्म पोलन ट्यूब लिबरेट देयर मेल गैमेट इनटू द, सो द राइट आंसर इज सिनर्जिक। ठीक है, सिनर्जिक आपको याद रखना है, यहाँ पे ना दो चीज़ें आपको याद रखना है। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों हो रहा है, मतलब कि दो बार फर्टिलाइजेशन होगा, एक सिंगैमी वाला फर्टिलाइजेशन और दूसरा ट्रिपल फ्यूजन का फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मतलब कि पूछा जा रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू द इनिशिएशन एंड एंजियोस्पर्म इनटू द एंजियोस्पर्म रिक्वायर्ड, तो इसमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, फ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्लियाई इनटू द सेकंड मेल गैमेट। ठीक है, अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ पे जैसे कि यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या पूछा गया है, फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्विंग कैरिंग द मेल गैमेट बाय द पोलन ट्यूब, द राइट आंसर इज सिनोगैमी। ठीक है, बाकी जो भी ऑप्शंस है वो उतने सारे इंपॉर्टेंट शो नहीं करते। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इसके पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, टोटल मोड ऑफ म्यूटिक डिवीजन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग 100 जाइगोट, अब 100 जाइगोट के लिए आपको कितने की रिक्वायरमेंट होगी, तो जैसा कि हमने ये क्वेश्चन से यहाँ पे देखा था कि 100 पे हमें कितने बढ़ाने हैं, 5 बढ़ाने, मतलब 25 बढ़ाने हैं, तो 125 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि 100 जाइगोट के लिए हमें कितने पोलन ग्रेन की वीट में, कितने पोलन ग्रेन म्यूटिक डिवीजन की ज़रूरत है, तो 125। ठीक है, इज द राइट आंसर, क्योंकि 25 बढ़ेगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। ये जो मतलब टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे है, इन सम प्लांट थैलमस कंट्रीब्यूट द फ्रूट फॉर्मिंग, सच फ्रूट आर टर्म एज, तो इसका राइट आंसर से यहाँ फॉल्स फ्रूट हो जाएगा। ठीक है, थैलमस की जब भी बात की जाएगी, फॉल्स फ्रूट इज द राइट आंसर। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नीट 2019 का है, यहाँ पे क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इनटू फ्लावर्स प्लांट्स इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट इसमें से कौन सा हो जाएगा, से इज द राइट आंसर, ओव्यूल डेवलप हो जाते हैं एम्ब्रियो सेक में। ठीक है, एम्ब्रियो सेक का मतलब यहाँ पे ओव्यूल्स डेवलप इनटू एम्ब्रियो सेक नहीं, सीड होना चाहिए था, मतलब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, हमें पूछा क्या गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो सी इज़ द राइट आंसर्स। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, एपोमिक्सिस, वो प्रोसेस ही कहलाता है एपोमिक्सिस का प्रोसेस। ठीक है, जो कि एनसीईआरटी के बिल्कुल लाइन है, तो ये नीट 2016 में पूछा गया था। अगेन फिर यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, नीट 2016 का ही है, द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट, राइट आंसर इसका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। कॉटिलेडन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड, तो कॉटिलेडन जो होता है मेज ग्रेन का, उसको क्या कहा जाता है, मतलब उस प्रोसेस को किस क्या कहते हैं, तो वो एस्क्यूटेलम का प्रोसेस होता है। ठीक है, मतलब कि कॉटिलेडन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड एस्क्यूटेलम। अगेन फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि AIPMT 2015 में पूछा गया था, द वीट ग्रेन हैज़ एन एम्ब्रियो विद वन लार्ज सीड शेप कॉटिलेडन नोन एज, तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको हम कॉलियोराइजा बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे ईपी ब्लास्ट ऑप्शन गलत है। फिर एस्क्यूटेलम, एस्क्यूटेलम को हम क्या बोलते हैं, जो कि कॉटिलेडन्स और मेज ग्रेन को मतलब एक साथ, मेज ग्रेन के इंटरनली जो कॉटिलेडन्स होता है उसको एस्क्यूटेलम बोला जाता है, तो ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पे राइट आंसर्स बी होगा।
अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि AIPMT 2015 में ही पूछा गया था, जैसे कोकोनट वाटर फ्रॉम द टेंडर इन कोकोनट, ठीक है। तो ये जो होते हैं वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहलाते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नॉन एल्बुमिनस सीड इज प्रोड्यूस्ड इन, नॉन एल्बुमिनस सीड जो होते हैं वो कहाँ पे प्रोड्यूस्ड होते हैं, ठीक है। तो नॉन एल्बुमिनस सीड के आपको एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं, उसी को चूज़ करना है। जैसे कि मेज और वीट होता है वो एल्बुमिनस सीड होता है, कैस्टर्ड भी एल्बुमिनस सीड होता है, लेकिन पी जो होता है वो नॉन एल्बुमिनस सीड होते हैं, ठीक है। अब आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, स्पेशल मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब कि स्पेशल मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि यहाँ पार्थिनोजेनेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यहाँ क्वेश्चन है, इन सम प्लांट द फीमेल गैमिट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन वाला जब भी प्रोसेस होगा तो यहाँ पे पार्थिनोजेनेसिस ऑप्शंस लगाएंगे और एपोमैक्सिस का प्रोसेस आता है। लेकिन जब भी फीमेल गैमिट डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट का वहाँ पे प्रोसेस होता है बिना फर्टिलाइजेशन का, तो उसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस का प्रोसेस, ठीक है। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज पार्थिनोकार्पिक। तो पार्थिनोकार्पिक का एग्जाम्पल बनाना होता है क्योंकि ये सीडलेस फ्रूट होते हैं। तो पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस में, पार्थिनोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें सीडलेस फ्रूट वाले जो ऑप्शंस होते हैं उसको भी टिकआउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस होगा वो बनाना इज द राइट आंसर्स। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं, वो उतने इंपॉर्टेंट शो नहीं करते, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर रहने देते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियोज़ में जिसमें हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो